नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन पूरे धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी के बिहार प्रदेश कार्यालय में भी देखिए किस तरीके से पोस्टर के माध्यम से अनेक उनके जो कार्य हैं उनको भी दिखाया गया। वहीं दूसरी तरफ दिखाया हम किस तरीके से एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया, यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, यहाँ पर आकर के उनके साथ सेल्फी ले सकते हैं। देखिए किस तरीके से एक उनके यानी जो हाइट में छोटे हैं लेकिन प्रधानमंत्री के जो बातें हैं उनसे काफ़ी ये प्रभावित हैं और उनसे ये लगाव है। लगभग 7 सालों से इनका कहना है कि 7 सालों जो प्रधानमंत्री से हम जुड़े हुए हैं, उनके मतलब विचारों से जुड़े हुए हम इनसे बात करते हैं। कब से आप जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री? देखिए हम 2017 से हैं जुड़े हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अपना मेरा नाम मिथुन सिंधे है और मैं अभी बीजेपी का कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मेरा नाम मैं बक्सर से ही बिलोंग करता हूँ, बक्सर के सोनीपट्टी से ही बिलोंग कर रहा हूँ मैं। और आज देश के यशस्वी तेजस्वी माननीय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 73वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और 141 करोड़ की पूरी जनता के देश की ओर से भी उनके तहे दिल से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नीतीश कुमार जी तो अभी अलग हैं, इंडिया गठबंधन बन गया है और आज जन्मदिन है, तो क्या उनको नीतीश कुमार को अपनी पार्टी की तरफ से? नहीं, एक बात पे हम तोड़ना चाह रहे हैं कि आप इंडिया उनको ना कहिए, INDDA कहिए। उनको इंडिया कहने पर भी हम लोग का देश के लिए तोहिनी होगी। हाँ। इंडिया ना कहें। और रहा बात हमारे पलटू सरकार और पलटू राम की और माननीय नीतीश कुमार जी की, हाँ, बात जन्मदिन पर बुलाइएगा तो, उनको अपने यहाँ जन्मदिन पर तो दुश्मन कभी बुलाया जा सकता है पार्टी में आप लोग, लेकिन पार्टी में नहीं। हाँ। पार्टी का बात ना करें, अगर वो आना चाहते हैं तो आना चाह रहे हैं तो पार्टी का बात ना करें, पार्टी में आना चाह रहे हैं हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय बिहार के तेजस्वी और यशस्वी युवा हृदय सम्राट और सबके चहेते माननीय सम्राट चौधरी भैया जी के भी कहा नाम होगा तो वो आ सकते हैं। लेकिन ये कहना ये उचित नहीं होगा कि जब बिहार के सत्ता उनके हाथ में नहीं रहेगा, ये कह दे कि बिहार के मुखिया बनने के बनाइएगा, बता रहे हैं बिहार के मुखिया बनने के लिए कहे कि भारतीय जनता पार्टी में उनको जगह दिया जाए, ये नहीं होगा। बिहार के मुखिया नहीं, आप सेंट्रल में जाकर उपराष्ट्रपति के पद पर जा सकते हैं और कहीं नहीं। आप लोग उपराष्ट्रपति बनाइएगा? हाँ, उपराष्ट्रपति बना सकते हैं लेकिन बिहार के मुखिया नहीं बना सकते। बिहार के नहीं, बिहार के मुखिया के लिए 2025 के पूरे पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार अपने दम पर चुनाव 243 सीटों पर पूरे दम के दंका के चोट पर पूर्ण बहुमत के साथ आए। नीतीश कुमार जी की अब तो तेजस्वी है, आगे आएंगे हम तो जाएंगे तेजे, अरे वो अच्छा वो आप मान सकते हैं कि तेजस्वी का आनंद देंगे उनके रहते हैं? वो जो व्यक्ति 7 बार शपथ ग्रहण किया है जी, मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण किया है, मुख्यमंत्री का लालच का पद देखा है, मुख्यमंत्री का सीट देखा है, वो छोड़ देगा जी? वो अभी वो खुद तेजस्वी यादव जानते हैं कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव गठबंधन के साथ जुड़ के भी उनके साथ बेकार हो रहा है, वो खुद जान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस बात से आप ज़्यादा प्रभावित हैं? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बात से ये सहमत है कि वो गरीब, हाँ गरीब, शोषित, वंचित, दलित सबका बात रखने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सब लोग कहता है कि हम गरीबों की बात करते हैं, कुछ बताइए उसमें। हम बता रहे हैं आज, हम बता रहे हैं 9 साल में इतना परिवर्तन हुआ कि देश के साथ साथ गली गली का परिवर्तन, गली गली में नरेंद्र मोदी जी का नाम है। एक चीज़ बताने, हम बता रहे हैं आज का योजना है 18 योजना चल रही है, जहाँ निचले स्तर से लेकर ऊपरे स्तर तक जितने भी सोर्सेस है उसी के लिए, जैसे मोची हो गया, बढ़ई हो गया, कुम्हार हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया, ये सब का कार्यकाल ये कौन कर रहा है? ये माननीय नरेंद्र मोदी। और एक और बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि 50 साल में सत्ता किसी को देखा है जी, कि शोषित वंचित दलित समाज को राष्ट्रपति बनाते हुए देखा है? किसी को कोई देखा है राष्ट्रपति बनाते हुए? यही एक भाजपा की सरकार है कि राष्ट्रपति का पद देखे, चाहे प्रधानमंत्री का पद देखे, चाहे उपराष्ट्रपति का पद देखे, वहाँ पर गरीब शोषित वंचित को बैठाने का काम किया है भाजपा। देखिए अलग अलग जगह से कार्यकर्ता आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मनाने को। देखिए किस तरीके से उनके तस्वीर जो है, उनका जो चेहरा जो है वो बनाए हुए हैं। किस चीज़ से बनाए हुए हैं? ये गाय का गोबर से मैंने गाय का गोबर से जी, क्योंकि गाय का गोबर हिंदू धर्म में शुद्ध माना जाता है
और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है, देख सकते हैं 73वां जन्मदिन है। तो हम अपने हाथ का बनाया हुआ एक काला माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट करना के लिए लेकर, ये किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये गिफ्ट करने के लिए लाए हुए हैं, गाय का गोबर, जो गाय जो कहा जाता है हिंदू धर्म में सबसे शुद्ध मानी जाती है, एक तरीके से पवित्र माना गया है, जो गाय का घी हो गया, दूध हो गया, गाय को जो माता भी कहते हैं हिंदू धर्म में, और ये उसी के गाय के गोबर से यानी जो है पूजा पाठ में जो प्रयोग किया जाता है, उसके बिना पूजा पाठ भी शायद अधूरा रहता है, उससे ये उनका चेहरे का एक तरीके से मुखौटा बना करके लाए हुए हैं गिफ्ट करने के लिए। जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी को, उनको हम देने। तो आपने सुना किस तरीके से वो प्रधानमंत्री को चाहने वाले जो है उनके फैन जो है किस तरीके से उत्साहित नज़र आ रहे हैं, हमने उनसे बात भी किया है, तमाम बातों को उन्होंने रखा कि किस बात से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों से प्रभावित हैं। वहीं एक फैन जो है उनको जो उपला यानी गाय के गोबर से उनकी जो है मुखौटा बना करके लाए हुए थे उनको गिफ्ट करने के लिए, उन्होंने उनसे भी हमने बात किया है, तमाम बातों को उन्होंने रखा, साफ साफ कह रहे कि प्रधानमंत्री से हम काफ़ी प्रभावित हैं, इसलिए हमने गाय का गोबर से जो है उनका मुखौटा बना करके लाया है, क्योंकि गाय जो है सबसे शुद्ध मानी जाती है हिंदू धर्म में, इसलिए उन्होंने उसका हमने ये बना करके लाया है प्रधानमंत्री को भेंट करने के लिए, यानी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को वो भेंट करने के लिए लाए हुए हैं उनके जन्मदिन के अवसर पे। उनका साफ साफ कहना कि हम प्रधानमंत्री के कामों से बहुत प्रभावित हैं। वहीं उनके जो फैन दूसरे फैन से हमने बात किया जो सेल्फी पॉइंट पर खड़े होकर बात करो, तो साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री से हम लोग लगातार उनकी बातों को सुनते रहते हैं, चाहे अलग अलग कार्यक्रम हो देखते रहते हैं, और हम उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।